और भी कई मुद्दे हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल में जो घटना घटी उसके बाद के बांग्लादेश की घटना की बात की, पूरी स्पीच को आप किस तरह से प्रधानमंत्री? नहीं, ऐसा है कि लाल किले से जो प्रधानमंत्री का स्पीच होता है, आप पूर्व प्रधानमंत्री सबका देखो जी, तो वो देश के लिए निवेदन होता है जी, बिल्कुल। तो देश की आज तक कैसी प्रगति की है, हमारे प्रॉब्लम क्या है और आगे जाके हम कैसे उसको सुलझा देंगे, ये इस पर अब बोलना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री यहाँ भी पॉलिटिक्स करते हैं, पूरे देश में उनकी सभा चलती है, उनको यहाँ पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है। और ऐसा है कि मीडिया इतना है, सोशल मीडिया इतना है, हर दम आप जाएंगे और पॉलिटिकल बात करेंगे तो वो ठीक नहीं है। उन्होंने अभी कॉमन इसके बारे में सेकुलर सिविल कोड का, हाँ मुझे ऐसा किसी ने बताया कि मैंने सुना नहीं सका, मैं काम में था, लेकिन सेकुलर के बारे में भी कुछ ये किया। सेकुलरिज्म तो आपका सबकी जीवन प्रणाली चाहिए, अपने जीने का भाग चाहिए, उस वो सरकार में चाहिए और कोर्ट होकर तो कोर्ट में ही चाहिए, इसके लिए अलग कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसा मुझे लगता है। महिला भगिनी के लिए बारे में भी बात की, महिला सुरक्षा की बात करने का अधिकार उनको है या नहीं आपने देखना चाहिए। अगर हमारी रेसलर महिला उन पर अन्याय होता है और वो कंप्लेन करते हैं और एक एमपी के बारे में कंप्लेन करते है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में, किसी पार्टी का हो, उसकी दखल तो लेना चाहिए था, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, उस पर कुछ हुआ नहीं। और वो रेसलर हमारी लड़कियां थी, हमारी बेटियां थी, उसमें जेल को भेज दिया। तो मणिपुर में हुआ वो आदिवासी महिला पर, क्या किया इन्होंने? वो भेंट दी, कुछ मुलाकात की, कुछ सपोर्ट किया, कुछ किया नहीं है। बिल्किश बानो के बारे में क्या हुआ है? आप ये देखेंगे, इनके इनका तरीका आप देखेंगे काम करने का, तो आप ये महिला के सुरक्षा के बारे में बोलने का अधिकार उन्होंने रखा नहीं खुद को, ऐसा मुझे लगता है। ये तो जरूर है, जनता ने हाथ में लेना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार वो कर नहीं रही तो जनता ने करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि कुछ लोग हैं, हालांकि नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो विकास में बाधाएं डाल रहे हैं, उनकी बातों को मत ध्यान दीजिए, उनको इग्नोर कीजिए, इस प्रकार का बयान। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने वो सीबी के बारे में उन्होंने कहा होगा कि सीबी का अध्यक्ष अगर है और उनमें बड़ा फॉल्ट अगर होता दिखता है आज, ऐसा है कि जिसकी इंक्वायरी कर रहे हैं उसके तो आप पार्टनर होंगे तो क्या इंक्वायरी करेंगे, इतना सीधा सीधा सवाल है। और इतना ऐसा है कि सीबी की जिम्मेदारी है कि सब शेयर होल्डर की सुरक्षा करना, उसके लिए काम करना, अगर वो जो रक्षा करना वाला है वो शामिल होगा गुनहगारी में तो कैसा होगा, वो जांच में जांच कैसे करेगा। तो ऐसा है कि ये इसके कारण उन्होंने बोला होगा, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो डाइवर्ट करने के लिए ऐसे कुछ बात करते हैं वो। सर हालांकि कल एनडीए की मीटिंग है, सीट सेलिंग का फॉर्मूला कब तक तय होगा, क्या रणनीति? हम पिछले हफ्ते में बैठे थे, अभी कल फिर हमारी महाविकास आघाड़ी की मीटिंग है, उसके बाद हम हमारे तय होगा डेट्स कहाँ कब कब बैठना, और जल्दी हमारे हम सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी सीट शेयरिंग पूरी हो। सर आपकी ही सहयोगी पार्टी के नेता है शिवसेना के संजय राउत, उन्होंने हाल ही में बयान दिया था कि उन्होंने सामने से डिक्लेयर किया कि उन्होंने खुद कहा कि शिवसेना से उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की फेस होंगे, हालांकि अब ये कहा जा रहा है शिवसेना संजय राउत द्वारा कि अगर कांग्रेस को पसंद नहीं तो वो कोई फेस बताए, क्या आपके पास कोई फेस अगर आप संजय राउत? नहीं, ऐसा है कि कोई कुछ भी बोले तो हमने जवाब देना चाहिए, ऐसी तरह की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। ऐसा है कि मुख्यमंत्री का फेस कौन हो, ऐसा होता है कि हमारे भी कार्यकर्ता लोग हैं, हम पर प्यार करने वाले लोग हैं, तो वो भी हमारे लिए भी बोलते हैं कि ये मुख्यमंत्री होंगे, सबके पार्टी में सब लोग बोलते हैं कि ये होगा। आज तो आप देखेंगे तो 10-15 लोगों के बारे में नाम बोलते हैं, इसका मतलब ऐसा होता नहीं है। तो आखिर महाविकास आघाड़ी के बारे में पूछेंगे आप, तो मैं यही बोलूंगा कि हमारी जब इलेक्शन होने के बाद हम इकट्ठे बैठकर मुख्यमंत्री के बारे में तय करेंगे। आखिरी सवाल सर, लाडली बहना योजना जो सरकार ने शुरू किया, हालांकि 17 तारीख को, हालांकि कल शाम को कुछ लोगों को उसका बेनिफिशियरी को पैसा गया, 17 तारीख को पुणे में बड़ा कार्यक्रम, लाडली बहन योजना को आप इसे देख रहे, कुछ महीनों पहले सरकार ने इस योजना, ठीक है ये इलेक्शन इनको 2 साल कुछ हुआ नहीं, इलेक्शन आया और इन्होंने शुरू कर दिया है, ये सब इलेक्शन के लिए किया है,
इनको बहना लाडली नहीं है, इनको सत्ता लाडली है, इसके लिए कर रहे हैं। और उनके लोगों के आप देखेंगे तो खुद अजीत पवार बोले कि आप यहाँ बटन दबाओ तो चलेगी, इसका मतलब क्या? उनका एक एमएलए बोल रहा है कि आप नहीं वोट करेंगे तो आपके पैसा वापस ले लेंगे। अरे अरे ये क्या चल रहा है? ये सरकार की योजना है और पैसा आपका खुद का घर का नहीं है, ये जनता का पैसा है, वो बांट रहे हैं। जनता का पैसा आपने बांटा है तो उसको वापस ले लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बोलने का अधिकार इनको नहीं है। तो इनके पूरी सत्ता के लिए, सत्ता लुलुपता है उनके मन में और उसके लिए ये सब कर रहे हैं। एक देश एक चुनाव, प्रधानमंत्री क्या आपको लगता है? नहीं, मुझे प्रैक्टिकल लगता नहीं हो कि ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा प्रैक्टिकल मुझे लगता नहीं। धन्यवाद सर।